evening, everyone. Hi, माँ. मम्मी, आज आपसे भी मैं कुछ बात करने के लिए आई हूँ लाइव. बचपन में आपने मुझे सिखाया था कि जब भी बेटा आप परेशान हो या आपको ऐसा लगे कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में या कुछ ऐसा कुछ आप फेस कर रही हैं जिससे कि आपको लग रहा है कि सामने वाले आपको कमज़ोर समझें या आपको डराने की कोशिश करें या आपको परेशान करने की कोशिश करें, उस वक्त आप हिम्मत रखें. क्योंकि जब मैं छोटी थी तो आपने हमेशा सिखाया है ये मम्मी कि बेटियां वो स्तंभ होती हैं जो पूरे संसार को चलाती हैं. तो किसी के कुछ कहने या बोल देने से मम्मी आपकी ये बेटी डरने वाली नहीं है. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे माँ, क्योंकि जब कोई साथ नहीं देता है तो ये इस जीवन की, इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि माँ ही साथ देती है, इसमें कोई शक नहीं. और जो मेरी लड़ाई है ये मैं लड़ूंगी, और जब तक मेरी अंदर की मैं तब तक लड़ूंगी. आप बिल्कुल घबराएं नहीं मम्मी, मैं बहुत मजबूत हूँ. आप अपनी बेटी को जानती हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, आपकी बेटी अकेली काफ़ी है. रही बात की जो लोगों को परेशान या तंग करने का, जो ये सिलसिला जो जारी है, बहुत दिनों से जारी है. मुझे पता है कि आपकी नाराज़गी थी कि जब मैंने जो भी वजह से, मैं बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहती हूँ उन लोगों को फेसबुक पर, जो लोग मेरे मैसेंजर को, मेरे फेसबुक को पांचवी बार हैक कर चुके हैं. जब से उन्हें ये पता चला है कि मैं शायद विधानसभा चुनाव में आऊँगी, उन लोगों ने मेरा फिर से हैक होना शुरू हो गया, और लोग मेरे ही मैसेंजर से मेरे ही बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं. तो उनके लिए ये शर्म की बात है, और मेरे लिए शर्म की बात नहीं है, ये उनके लिए शर्म की बात है जो मेरे बारे में बातें इस तरह से कर रहे हैं. क्योंकि आपके भी घर में माँ और बहनें हैं. और मम्मी, मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ से क्योंकि मैं बहुत मजबूत हूँ और आप अपनी बेटी को जानती हैं. दूसरी बात रही कि मुझे जो लोग टारगेट कर रहे हैं या परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये ना सोचें कि मैं मुझे कोई मेरे आगे पीछे है नहीं. मैं खुद में बहुत मजबूत हूँ, मैं खुद में बहुत शक्तिशाली हूँ. और नारी को किसी की ज़रूरत नहीं, अगर वो अपने सच्चाई और सही इससे लड़े तो उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं, वो पूरे संसार को चलाती है. दूसरी बात, आप सबों को बताना चाहती हूँ कि जिसने भी मेरे व्हाट्सएप मैसेंजर को या जिस चीज़ को कभी हैक करके मेरी तरफ से बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं वो नहीं हूँ. सरफराज अहमद जी, मैं आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बहुत खुशी है कि आप मेरी बातों को समर्थन दे रहे हैं. मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि जो इस तरीके के लोग आपत्तिजनक पोस्ट करें, आप लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप उनके ऊपर भी कड़ी आलोचना आप लोग भी इधर से उनको दें, ताकि उन लोगों को ये सबूत और समझ में आए कि आपके परेशान करने से डॉक्टर तारा श्वेता आर्या परेशान नहीं होगी. दूसरी बात कि मेरी एक पोस्ट को एक काफ़ी निहायती एक अच्छे माननीय हमारे बुजुर्ग इजहार एसपी साहब, उनके साथ जो एक फ़ोटो को मेरी लगा दी गई, और तरह तरह की चीज़ें कल से हो रही है. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उन चीज़ों को कि ना बोलूँ, लेकिन मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अब इनफ हो गया. बार बार मुझे मैसेजेस कॉल किए जा रहे हैं, बार बार तंग किया जा रहा, तो मैंने सोचा मैं ही बता दूँ कि वो मेरे पिता समान हैं. हो सकता है कि वो अपनी जेब से कोई सामान निकालने के लिए कुछ कर रहे हों, या अपने पेन रख रहे हों. तो इस तरीके का पोस्ट को लेकर अगर आप ये ऐसा करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, और इस तरीके से टीका टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है. वो बुजुर्ग हैं हमारे, और आपको ये सोचना चाहिए कि मैं एक औरत हूँ, और औरत का सम्मान सबसे पहले, हर धर्म और हर एक चीज से पहले आता, तभी आपका देश महान बन सकता है. अंजुम जी, आपकी भी बहुत, सलमान जी आपका भी बहुत मैं खुशी व्यक्त करती हूँ, आपने मेरा समर्थन दिया है. सद्दीक सिद्दीकी साहब, आपकी भी, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ. मोहम्मद दिलवर आलम साहब, आपकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं. मैं यही बताने आई हूँ मम्मी आपको कि आप परेशान नहीं. मेरी माता जी बहुत परेशान हो गई थी इन चीज़ों को लेकर, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मम्मी आप ये नहीं सोचें कि मैं अकेली हूँ. मैं अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अकेली ही काफ़ी हूँ, शुरू से ही अकेली लड़ी हूँ, और अंतिम सांस तक अकेली लड़ती. कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, आपकी ये झांसी की रानी अकेले ही काफी है.
और बस यही बोलना चाहती हूँ मैं कि एक नारी शक्ति का मैं एक बहुत बड़ा मिसाल हूँ, और ये नारी किसी से डरने वाली नहीं है। थैंक यू। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, ये गीता में लिखी हुई एक श्लोक है। एक जनाब हैं जो बहुत दिनों से मुझे धमकियां दे रहे हैं कि आप MIM में हो तो आपको रेप थ्रेट्स मुझे दिए जा रहे हैं। इन्होंने लिखा है, ये जनाब, ये देखिए, ये लिखते हैं कि जैसे निर्भया का बलात्कार हुआ वैसे तेरा भी होगा, तेरा बाप जो बैठा है ना ओवैसी, वो भी तुमको नहीं बचा पाएगा, रियली। और साथ में लिखते हैं कि उस वो जो लड़की स्वाति खन्ना है दिल्ली में जो बोल रही है, उसका भी वही हाल होगा और तेरा भी वही हाल होगा, और तुम दोनों टारगेट पे हो। थैंक यू वेरी मच। ओ माय गॉड, मैं बहुत डर गई ये मैसेज पढ़ के, तो मैं बहुत डर गई। अब तो मैंने फैसला ले ही लिया है कि मैं MIM कभी नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब रेप थ्रेट से के क्या मिलता है आपको? कि आपको क्या लगा कि मैं डर गई, मुझे डरा लिया आपने? नहीं, ये आपका मैसेज एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँच चुका है, बहुत जल्दी आपकी खोज भी होगी और आप सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि मुझे किशनगंज के प्रशासन पे बहुत बहुत भरोसा है, आपको शायद नहीं होगा। और हाँ, मैं बहुत बहादुर लड़की हूँ, मुझे डर नहीं लगता, और ये सब गीदड़ भपटियों से तो बिल्कुल भी नहीं। अरे क्या ये सब, मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, भगवान ने जब लिखा होगा चली जाऊंगी, नहीं लिखा है तो यहाँ पर लोगों की भलाई करने के लिए हूँ। इतने सारे गोदों में मैंने खुशियाँ बांटी हैं और उन सब मरीजों की दुआएं हैं मेरे साथ, कितना चलेंगे आप मुझे। अच्छा, एक और जनाब है, ये अपना नाम अजय शर्मा बताते हैं और फेसबुक पे कभी कभी आके कुछ कुछ घटिया कमेंट करके चले जाते हैं। इनके हिसाब से मेरी शादी हो गई है। रियली? अच्छा, सही बात है, जब सीता मैया को नहीं बख्शा गया तो मैं कौन सी चीज हूँ भाई। हाँ, मेरा निकाह हो गया है उन्हीं के साथ, अब आप क्या करेंगे? बोलिए, अब क्या करेंगे? है हिम्मत तो आ जाइए ना सामने, आपका मैसेज भी चला गया है और ये वीडियो मैं चाहती हूँ आप सब जरूर शेयर करें। और आपको मैं फिर से बता दूं कि विधानसभा आ रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है ना आप लोगों को कि ये कैसे इतना आगे बढ़ती जा रही है, इसको कैसे रोका जाए, किस तरीके से इसको पीछे खींचा जाए। मैं नहीं डरूंगी और मैं बहुत बहादुर लड़की हूँ, मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से सिखाया है कि बहादुर होना ही सबसे बड़ी बात है और बहादुर रहना, दोनों में अंतर है, और मैं बहादुर हूँ भी और बहादुर रहूंगी भी, और अपनी तरह सब औरतों को मैं बहादुर बनाऊंगी। आप कितना रोकेंगे मुझे, मैं भी देखती हूँ। और ये सब करने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है कि ये सब गीदड़ भपटियाँ ना आप किसी और को दीजिएगा। MIM जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, नीम जिंदाबाद, और मुझे अपने दोस्तों पर, अपने चाहने वालों पर, अपने जनता पर पूरा विश्वास है और उन सब की दुआएं मेरे साथ है। आप कुछ नहीं कर सकते, ये सब करना बंद करें, आप बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे, ये मेरा आपसे वादा है।